नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक स्टोरी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। चूंकि डायनामाइट एक बहुत शक्तिशाली विस्फोटक था, इसलिए इसका प्रयोग बहुत जल्दी ही युद्ध में होने लगा। इसका प्रयोग युद्ध में होने के कारण बहुत से लोगों की जान जाने लगी और अल्फ्रेड नोबल को दुनिया भर में मौत का सौदागर कहा जाने लगा। मौत का सौदागर कहे जाने पर अल्फ्रेड नोबल ने अपनी इस बदनाम होती छवि को छुपाने के लिए नोबल पुरस्कार की स्थापना की। इसके बावजूद कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अल्फ्रेड नोबल ने जो नोबल पुरस्कार की स्थापना की, वो एक महिला की प्रेरणा से की। अल्फ्रेड नोबल उस महिला को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उस महिला के कहने पर अल्फ्रेड नोबल ने नोबल पुरस्कार की स्थापना की, ऐसा बहुत से लोग मानते हैं। लेकिन आज हम अपने इस वीडियो में इस महिला के बारे में, इस महिला का नोबल पुरस्कार से क्या संबंध है, इस महिला का अल्फ्रेड नोबल से क्या संबंध है, और इस महिला ने अपने जीवन में क्या मुकाम हासिल किया, इस ऐसी तमाम बातों पर आज हम अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस महिला का नाम बर्था वॉन सटलर था। इनका पूरा जीवन काल 9 जून 1843 से लेकर 21 जून 1914 तक का रहा। इनका जन्म प्राग चेक रिपब्लिक में हुआ था। इनके माता पिता ऑस्ट्रेलियन थे। बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था और इनकी माता अपने अन्य परिवार के सदस्यों के साथ ऑस्ट्रिया में रहने लगी थी, जिसमें इनके अंकल तथा इनकी कजन सिस्टर शामिल थी। बर्था वॉन सटलर ने अपनी शुरुआती पढ़ाई लिखाई घर पर ही अपने अंकल के द्वारा की और जल्द ही इन्होंने इटालियन और फ्रेंच और इंग्लिश भाषाओं में अपनी अच्छी पकड़ बना ली। वर्ष 1866 में इनके अंकल की मृत्यु हो गई, जिससे इनके परिवार की फाइनेंशियल स्थिति और ख़राब होने लगी। तो बर्था ने अपने परिवार के सपोर्ट के लिए वर्ष 1873 में एक सटनर फैमिली थी वियना में, उनके परिवार में होम ट्यूटर की जॉब कर ली। इसी दौरान सटनर फैमिली के में एक उनका सबसे बड़ा बेटा था, जिसका नाम आर्थर वॉन सटलर था। उससे बर्था वॉन सटलर की मुलाकात होती है और आर्थर वॉन सटलर जो है बर्था वॉन सटलर से बहुत प्रेम करने लगते हैं और दोनों में प्रेम हो जाता है। चूंकि बर्था वॉन सटलर आर्थर वॉन सटलर से 7 साल बड़ी थी, इसलिए सटनर फैमिली ने इन दोनों के रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और बर्था को अपने घर से, जो होम ट्यूटर की जॉब कर रहे थे, उससे भी निकाल दिया। उसी समय इटली में अल्फ्रेड नोबल ने अपनी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए जॉब का विज्ञापन दिया। चूंकि बर्था बहुत ही सुंदर और टैलेंटेड थी, इसलिए बर्था को अल्फ्रेड नोबल की पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब आसानी से मिल गया। अल्फ्रेड नोबल को भाषाओं तथा साहित्य में विशेष रुचि थी और बर्था को भी साहित्य की अच्छी खासी जानकारी थी, इसलिए अल्फ्रेड नोबल बर्था की तरफ अट्रैक्ट हो गए। अल्फ्रेड नोबल ने बर्था से अपने प्यार का इजहार भी किया। चूंकि बर्था वॉन सटलर आर्थर वॉन सटलर से प्रेम करती थी, इसलिए उन्होंने उस समय अल्फ्रेड नोबल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन एक हफ्ते अल्फ्रेड नोबल के यहाँ जॉब करने के उपरांत ही बर्था वॉन सटलर को आर्थर वॉन सटलर का एक खत प्राप्त होता है। इस खत में लिखा होता है कि मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता हूँ। इसके बाद बर्था वॉन सटलर अल्फ्रेड नोबल के यहाँ से जॉब छोड़कर वियना वापस आ जाती हैं और परिवार से छुपकर आर्थर वॉन सटलर से शादी कर लेती हैं, और अब ये शादीशुदा जोड़ा अपने परिवार से दूर रहने लगता है। इसी दौरान आर्थर वॉन सटलर और बर्था वॉन सटलर खूब साहित्य पढ़ते हैं और होम ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर अपना घर का गुजारा करते हैं। लेकिन वर्ष 1885 में सटनर फैमिली
इन दोनों लोगों के रिश्ते को मंजूरी दे देती है और आर्थर बॉन सटलर तथा बर्था बॉन सटलर को घर पर वापस बुला लेती है। बर्था बॉन सटलर अपने घर वापस आने के बाद एक नॉवेल लिखती हैं जिसका शीर्षक होता है ले डाउन योर आर्म्स। इसमें वो किसी भी तरह के दुनिया में सारे युद्धों को बहुत क्रिटिसाइज करती हैं और शांति का प्रस्ताव दुनिया भर में रखती हैं। बर्था वॉन सटलर द्वारा लिखे गए इस नोवेल का दुनिया भर में बहुत प्रशंसा होती है और बर्था वॉन सटलर बहुत पॉपुलर हो जाती हैं। यह उनके जीवन का एक ब्रेक थ्रू था जिसने बर्था वॉन सटलर को पूरी दुनिया में शांति का दूत बना दिया था। अब बर्था वॉन सटलर ने कई सारी शांति के लिए संस्थाओं की स्थापना की और दुनिया में घूम घूम कर शांति के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। इन सब के दौरान उनकी अल्फ्रेड नोबल से दोस्ती बरकरार रही, क्योंकि बर्था वॉन सटलर कहीं ना कहीं अल्फ्रेड नोबल को बहुत पसंद करती थी। जनवरी 1893 में अल्फ्रेड नोबल का बर्था वॉन सटलर को एक खत आता है और वो उसमें बर्था वॉन सटलर को बताते हैं कि उन्होंने शांति के लिए एक पुरस्कार की स्थापना की है। इस पुरस्कार को शांति का नोबल पुरस्कार कहा जाता है। बर्था वॉन सटलर को 1905 में शांति के लिए नोबल पुरस्कार दिया गया था। ये शांति का नोबल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं और इनका निधन वर्ष 1914 में हो जाता है। तो मेरा मानना है और बहुत सारे लोगों का भी यही मानना है कि शांति के लिए जो नोबल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबल ने की, उसमें बर्था वॉन सटलर की बहुत अहम योगदान था और अल्फ्रेड नोबल ने जितने भी नोबल पुरस्कार की स्थापना की वो सारे के सारे बर्था वॉन सटलर की प्रेरणा से प्रेरित नहीं थे, बल्कि शांति के लिए जो नोबल पुरस्कार की स्थापना की गई वो बर्था वॉन सटलर से प्रेरित था। तो दोस्तों, ये थी कहानी बर्था वॉन सटलर और शांति के लिए दिए जाने वाले नोबल पुरस्कार की। तो यहाँ पर जो बर्था वॉन सटलर के जीवन में ब्रेक आया जिससे वो दुनिया भर में महान बनी और शांति की दूत कही गई, मेन रोल उसमें उनके द्वारा लिखे गए एक नोवेल का था जिसका शीर्षक था ले डाउन योर आर्म्स। तो ले डाउन योर आर्म्स वो इसलिए लिख पाई क्योंकि उन्होंने साहित्य में अपनी बहुत पढ़ाई की थी और उनकी बहुत रुचि थी। तो दोस्तों, ज्ञान का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्ञान होने की बदौलत ही वो नोवेल लिख पाई और उस नोवेल का प्रचार प्रसार दुनिया में हो पाया और उसको लोगों के द्वारा पसंद किया गया और बर्था वॉन सटलर को इतनी ख्याति प्राप्त हुई। दोस्तों, यदि आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं मेरे इस चैनल के यूट्यूब के एक मेंबर बनकर, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तमाम साइंटिफिक स्टोरीज और तमाम किस्से आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगे। मेरे वीडियो को देखने तथा उसे पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।